अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। बुजुर्ग और दोस्तों, एसएस प्रोडक्शन कर्नाटक का कलानिकेतन बेंगलोर से सैयद अब्दुल रज्जाक शाह सुल्तानी साहब हाजिर है आप तमाम के लिए एक बार फिर एक और पैगाम। मोमिन की पहचान के साथ शाह सुल्तानी लिखते हुए अपने कलम से यूं कहना चाहते हैं, सात जमीन सात आसमान, मालिक व मौला तेरे कब्जे कुदरत में, तेरे हुक्म के बगैर कुछ हो नहीं सकता, हर जर्रा जर्रा तेरी अता में, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब तेरे नूर का तस्कीरा, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे आग हवा पानी चट्टाने दरख्त फल फूल पौधे चमक धमक खुशबू महक साल महीने हफ्ते दिन वक्त घड़ी पल अल्लाह सब तेरे बनाए हुए हैं सारे। अल्लाह तमाम मखलूक का मालिक, हम बंदे खुदा के, हमारी कोई हकीकत नहीं ना ही हमारी कोई विशाख, हकीकत उस खुदा की जो सारे जहानों का मालिक है। खुदा कुदरत वाला, हर शय पे उसकी कुदरत है। बुजुर्ग और दोस्तों, हम कहना ये चाहते हैं, हम मुसलमान कलमे वाले, कलमा हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हमारे आखा, हम आपकी उम्मती। तो मालूम हुआ हम एक अल्लाह वाहिद के बंदे, हम एक अल्लाह वाहिद के बंदे, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और एक अल्लाह ही को पूजते हैं। ये हमारा ईमान है, यही हमारा इस्लाम है। और हम इस्लाम वाले, हम मुसलमान कलमे वाले, हम मुसलमान कुरान वाले, हम मुसलमान नमाज वाले, हम मुसलमान रोज़ा हज ज़कात वाले, हम मुसलमान शरीयत मारिफत तरीकत और हकीकत वाले, हम मुसलमान अदब एहतराम के साथ इख्तियार खामोशी के साथ हुक्म पर अल्लाह के कायम रहने वाले, हम मुसलमान अल्लाह के प्यारे महबूब आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले, हम मुसलमान ये आर्जी जिंदगी के साथ, हाँ ये आर्जी जिंदगी के साथ आखिरत पर यकीन रखने वाले, और हम मुसलमान ईमान वाले। अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों तुम आपस में फसाद ना करो और ना ही फसाद करने वाले का साथ दो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ फसाद करने वाले फसादी अपने शर और शरारतों के साथ बाज नहीं आ रहे हैं। ये लोग किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई बात पर खुलेआम खुलकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। ये लोग मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, मस्जिदों में होने वाली आजानों की आवाज को बंद करने की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्गाने दीन के दरगाहों को तोड़ रहे हैं, बेअदबी के साथ नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को लेकर तकरार कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के हिजाब पर एतराज कर रहे हैं, मुसलमानों के रहन सहन पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बुजुर्गों दोस्तों, एक बार फिर हम कहना चाहते हैं, हम मुसलमान अल्लाह के बंदे, हम एक अल्लाह वाहिद की इबादत करते हैं और एक अल्लाह ही को पूजते हैं, ये हमारा ईमान है। और हम ईमान वाले किसी को परेशान नहीं करते, हम ईमान वाले किसी को परेशान नहीं करते। अगर कोई हमको परेशान करने की कोशिश करता है तो हम इस परेशान करने वाले को माफ करते हैं, और हमारा माफ करना ये हमारे ईमान की निशानी है और यही हमारे दीन और इस्लाम की सच्चाई है। अगर कोई हमारी सच्चाई को हमारी कमजोरी समझता है तो यह समझने वाले की भूल है। हम मुसलमान खामोश हैं, मतलब इसका यह नहीं कि हम कमजोर हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जब हो जाए सब्र की इंतहा, जब हो जाए सब्र की इंतहा, हमारी तो क्या होगा अंजाम तुम्हारा, फिर ना कहना कि हम तुमको माफ ना किया, अब करेंगे फैसला सरेआम तुम्हारा। अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। आजकल कुछ लोग शर शरारत करने वाले फसादी, हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू का नाम लेकर मैं तू तू का खेल खेल रहे हैं, और ये फसादी अच्छे हिंदू सच्चे मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं धर्म का नाम लेकर, और ऐसा करना गलत है और ये कानून और संविधान के खिलाफ है। और कानून संविधान के खिलाफ फर्जी करने वाले को मुजरिम कहते हैं, और हमारी ये इल्तिजा है हुकूमत के हुक्मरानों से और कानून के मुहाफिजों से
ऐसे मुजरिमों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो हमारे देश भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारा देश भारत साधु संत पीर फकीरों का देश है, साधु संत पीर फकीरों का देश है। हमारा देश भारत राजा रजवाड़ों का देश है। हमारा देश हुकूमत के हुक्मरानों का देश है। हमारा देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है। हमारा देश भारत बाबा अंबेडकर साहब के संविधान का देश है। इसलिए शाह सुल्तानी बेंगलोर से यूं कहते हैं, खुले आम खुलकर, हाँ खुले आम खुलकर ये शरारत करने वाले फसादियों से बंद करो ये मैं तू तू का खेल जो हिंदू मुसलमान का नाम लेकर खेल रहे हैं। अब भी वक्त है ऐ फसादियों समल जाओ, अब भी वक्त है ऐ फसादियों समल जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। जब मोमिन किसी के भलाई के लिए हाथ उठाता है अपने रब की बारगाह में, जब मोमिन किसी के भलाई के लिए हाथ उठाता है अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए, तो बड़े से बड़े तूफान आंधियां रुक जाती हैं अल्लाह के करम से अच्छी हवा और फिजा के साथ। जब यही मोमिन हाथ उठाता है अपने रब की बारगाह में किसी के खिलाफ दुआ के लिए, तो बड़ी से बड़ी हस्तियां और बस्तियां तबाह हो जाती हैं अल्लाह की नाराजगी के साथ। बुजुर्गों और दोस्तों, तहज्जे चाहता हूं हम हमारे खताओं की माफी के साथ अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं, और डरते हुए हम हमारे अमाल की पाकी के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ अपने उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह तू हमारी बुराइयों का खात्मा अता फरमा और हमको कोई बुरा ना कहे। बुरा कहने वालों को अल्लाह हम तेरे हवाले करते हैं, तू इनको सजा दे या जजा दे, तू मालिक है सबका, तेरे पाक के जात की कसम अल्लाह तू हमको अच्छाइयां अता फरमा, सच्चाइयां अता फरमा, तेरे नेक बंदों के तफेल तू हमारी दुआओं को कबूल अता फरमा। दोस्तों, सलाम अर्ज करते हुए एसएस प्रोडक्शन कर्नाटक कला निकेतन बेंगलुरु से सैयद अब्दुल रज्जाक शाह सुल्तानी हाजिर है एक बार फिर यूं कहते हुए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप तमाम के लिए पेश करते रहेंगे। रुख बदलने को देर नहीं लगती, रुख बदलने को देर नहीं लगती, बदलते हुए वक्त को हमने देखा है। रुख बदलने को देर नहीं लगती, बदलते हुए वक्त को हमने देखा है। हालात के साथ बादशाहों को भी वक्त के आगे झुकते हुए हमने देखा है। बुजुर्गों और दोस्तों, हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं। हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं। गलतियों को माफ कीजिएगा, अल्लाह माफ करने वाले को बहुत पसंद फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।